जरा सा भी आइडिया नहीं है कि हम आज आने वाले, उसको लग रहा है कि कल आएंगे। काफी छोटा है, देख सकते हो, मतलब बहुत छोटा है। अंदर से डाउट हो जाता है कि हाँ वो आ गया है। देख रहे हो गाइस कहाँ छुपना पड़ रहा है, छुप गए। इतने गंदे हैं कि हम फास्टिंग किए हैं और यहाँ पर अब नौटंकी मत करो बेचारे, ला के दिए हैं अब खा लो। मुझे पता है आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के ही आए हो, पर सुनिए मजा आएगा। पर ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो आप लोगों के लिए है गाइस, जो कोलकाता में कांड हुआ है उस पर प्लीज़ आप लोग हमेशा स्टोरी पोस्ट हैशटैग जो भी है आप लोग कोशिश करो कि उस पर मतलब हमेशा डालते रहो, क्योंकि ओवरऑल यही होता है कि हमेशा प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद कुछ दिन तक उसके बाद लोग शांत हो जाते हैं, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। और ध्रुव राठी जैसे लोग जो है वो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं किसी और गवर्नमेंट को पता नहीं क्या क्या करके, तो उन लोगों बातों पर ध्यान मत देना। आप समझना जहाँ पर प्रॉब्लम हुई है उस चीज़ की बात करें लोग, और आप लोग भी हमेशा यही करना। तो फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ जमशेदपुर, और रिया को पता है कि मैं आने वाला हूँ जमशेदपुर, बात कल आने वाला था। आज जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और मेरे घर पे नहीं हो सकता क्योंकि गांव में कोई डेट कर गया, वरना वो बहुत धूमधाम से होता पिछले साल की तरह, बट इस बार नहीं हो पाएगा, रिलेटिव को डेट कर गया इसलिए। चलो कोई बात नहीं, अब जो चले गए हैं उनके लिए तो इतना तो करना बनता है। हम देखो आप लोग अक्सर कहा करते थे कि रिया को कहाँ गायब कर दिया है, आप अचानक से लाते हो अचानक से गायब हो जाती है, तो हम सोचे चलो बहुत दिन हो गया है, रिया को ऐसा सरप्राइज़ देंगे थोड़ा अच्छा लगेगा उसको भी। और आज उसका फास्टिंग है, उसको ज़रा सा भी आइडिया नहीं है कि हम आज आने वाले, उसको लग रहा है कि कल आएंगे। तो चलो फिलहाल के लिए मेरा ट्रेन आके लगी हुई है पाथलडीग, कौन कौन पाथलडीग से हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। चलो ट्रेन का सफ़र, वैसे ये ट्रेन काफ़ी बोरिंग ट्रेन है, मतलब जमशेदपुर यहाँ से 250 किलोमीटर होगा तो ये पहुँचाने में हमको 6-7 घंटा लगा देता है। तो चलो पापा गए टिकट लाने, टिकट लेके आएंगे, उसके बाद मैं जाऊँगा ट्रेन से। टिल देन बाय, टेक केयर, और प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना, उम्मीद आपको पसंद आएगा। गाइस अब पहुंच गया है और रिया को कॉल की एक बार, लेकिन हम उठाए नहीं, उठाते ट्रेन में तो समझ जाती। फिलहाल के लिए अभी चल रहे हैं कैपिटल सामान के पास, मौसम तो यहाँ ठीक है, वरना जब आते हैं तब हमको मतलब लगता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा। मौसम अभी फिलहाल के लिए बहुत अच्छा है, सही है। चलो अभी देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। और गाइस हम आ गए रूम, और ये रूम बहुत छोटा है शुरू होते साथ। आइला ये तो शुरू होते साथ बता, ये देखो अभी सामान वामान बिखरा पड़ा है, मतलब ये सब सामान वामान सारा बिखरा पड़ा होगा। और ये बाथरूम है, छोटू सा बाथरूम है, ये बेडशीट पहले से पड़ा हुआ था तो इसको धोना है। चलते हैं रिया को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए, वो भी चौक पे होगी, हम लोग जाएंगे उसके काउंटर के पास। और सच बताऊँ तो मुझे भूख लगा तेज। ये रूम वैसे बहुत काफ़ी छोटा है, देख सकते हो, मतलब बहुत छोटा है। चलो ये वो सरप्राइज देते हैं, मतलब शॉक करते हैं थोड़ा सा, आज उसका फास्टिंग भी है, अफसोस कुछ खिला नहीं पाएंगे, बट कल हम लोग कुछ प्लान करेंगे, कहीं मूवी वूवी बोल रही थी कि हमको मूवी देखने जाना है, तो मूवी देखना है, स्त्री 2 देखना है, काम से फुर्सत नहीं मिलता उसको, तो चलो अभी चलते हैं उसको थोड़ा सा सरप्राइज देते हैं। तो अभी एक तो दोस्त भी काम करता है उसके साथ, जो गौतम नाम है उसका, तो मैंने उसको बोला कि उसको लेके आओ, क्योंकि अगर हम बोलेंगे ना तो उसको थोड़ा पता नहीं, उसको अंदर से डाउट हो जाता है कि हाँ वो आ गया है, तो मेरा सरप्राइज नहीं रहता तो इसलिए हम बोले उसको, गौतम को कि गौतम उसको कोई बहाना करके किराना दुकान के पास ले के आओ, हम वहीं पर खड़े हैं। तो हम अंदर चले जाएंगे अभी, मतलब दुकान के अंदर जल्दी से चले जाते हैं,
और यहाँ मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडा है। कहाँ छुपना पड़ रहा है, छुप गए आएगी ना तो देखते आ ही रही है। हमको वीडियो चालू करके रखना होगा। पता था तुमको? गाइस इसको हमेशा शक हो जाता है, इसको हमेशा आवाज हो जाता है कि हम आने वाले हैं ना। हाँ क्या आवाज होते रहता तुमको? क्या मतलब, क्या जादू तो ना करती हो क्या? हमको पता चल जाता है। क्या पता पहले से आवाज था, हम दीदी को बोल गया था, दीदी हमको डाउट हो रहा है। डाउट हो रहा है तब क्या हाल चाल? चल रहा है। सब बोलता है रिया को कहाँ छोड़ दिए आप ब्लॉग में। सच में रिया को भूल ही गए एकदम, सब भूल गया। सब भूल गया ना गाइस, कमेंट करके बता दो भूला है कि नहीं। सब 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 भूल रहे हैं, अब सब बोलेंगे कि आप भूल गए हम नहीं भूले। और गाइस इसका फास्टिंग है तो सोचे इसको जूस पिला देते हैं। नमक मत देना भाई, फास्टिंग में है भाई, सब तोड़ देगा क्या? आधे साथ हम लोग का खाना पीना चाहिए। भूखे के हम खाएंगे, अभी भूख लग गया हमको बहुत। हम बनवा रहे हैं इसका मीठा वाला, काटना भाई मीठा वाला। पियो पियो शरीर में ताकत आएगा। खट्टा स्टीम किया हुआ नहीं होगा, बस स्टीम किया हुआ मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या दम दम नहीं है, दम तो नहीं किया हुआ, दम नहीं होगा, दम बिरयानी अलग होता है। रन दीजिए सब दिलवा ले भैया, अभी डाल रहे हैं आप कुछ होने प्याज ले चाहिए अगर तो। आप लोग देख सकते हैं ये कितने गंदे हैं। वाह ये इतने गंदे हैं कि हम फास्टिंग किए और यहाँ बैठ के बिरयानी। हम बोले कि हम तुम्हारे सामने कैसे खाएंगे तो अब खाया भी नहीं जाएगा। ए ऐसा कुछ नहीं, मजाक। अब तुम ऐसे बोल दी तो ऐसे क्या मजाक कर रहे थे? ऐसे ऐसे बोल दी तो खाया जाएगा, नहीं ना खाया। ठीक है हम चले जाते हैं। हाँ जाओ तुम। नहीं खाओ हम नहीं बोलेंगे, चल जाओ। नहीं बोलेंगे हम, नहीं बोलेंगे। अरे हम नहीं बोलेंगे, हम खाएंगे, हम कल खा लेंगे, हम खाएंगे पाएंगे कल पक्का। छोड़ दो इसको, पैक करा लेते हैं। अब नौटंकी मत करो बेचारे, ला के दिए हैं अब खा लो। खा ही नहीं पाएंगे यार, मुझे अकेले है, नौटंकी मत करो। नौटंकी हम करते कि तुम करती हो, मतलब नौटंकी बाजी। खा लो खा लो, ऐसे भी हमको ना नहीं पता सब बिरयानी, हमको यहाँ का अच्छा नहीं लगता। रिव्यू बताइए कैसा लग रहा है आपको? भूख लगा है। अरे आगे आपका प्याज, ये हम घर पे बनाए हैं। क्या है ये? ऑनियन है, इसको विनेगर में डाल के रखते हैं मिर्ची वगैरह के साथ में। अगर किसी को रेसिपी चाहिए होगा तो हम बताएंगे, क्योंकि ये प्याज बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप फ्रिज में इसको स्टोर करके रख सकते हो, आपको जब खाना होगा तो आप खा सकते हो। अगर किसी को रेसिपी चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं ज़रूर अगली बार शेयर करूँगी। तो आप खाइए।